नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी का शीर्षक है ड्रिल मशीन। दोस्तों, एक व्यक्ति रिटायर होने के बाद अपना सब कुछ लेकर के अपने गांव चला जाता है। वहां वह खेती करने के लिए एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीद लेता है और उस पर खेती करने लगता है। खेती करते वक्त उसको यह पता चलता है कि यह जमीन बंजर है और इसके ऊपर कुछ भी खेती हो नहीं सकती। वह काफ़ी निराश हो जाता है। वह सोचने लगता है कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया और मेरे अंदर बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। मैं उल्टे सीधे डिसीजन लेता हूँ और मेरे अंदर कोई भी कला नहीं है जिसकी वजह से मैं इस ज़िंदगी में कुछ अचीव कर पाऊँ। वह ऐसा सोचते सोचते काफ़ी दुखी हो जाता है और वह यह सोचता है कि चलो, अब और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इस ज़मीन को मैं बेच ही देता हूँ। वह ज़मीन बेचने के लिए काफ़ी हाथ पैर मार रहा होता है, तभी एक दिन उसको एक कॉल आता है जिसमें एक ऑयल कंपनी वाले लोग उसको कॉल करते हैं कि साहब, हम आपकी ज़मीन को सर्वे करना चाहते हैं। वह कहता है, कोई दिक्कत नहीं है साहब, आप सर्वे कर लीजिए, वैसे भी इस ज़मीन में कुछ निकलने वाला है नहीं। वह काफ़ी दुखी रहता है और एक दिन वो सर्वे करने वाले लोग आते हैं, वह सर्वे करते हैं और वहाँ ड्रिल मशीन लगाते हैं। तो जब वो ड्रिल मशीन करते हैं तो वह ज़मीन के अंदर जा करके किसी जगह पे स्टक होती है और वहाँ से तेल आना शुरू हो जाता है। वह मशीन वाले लोग जो होते हैं वह बहुत खुश हो जाते हैं और आकर के उस आदमी को बताते हैं कि साहब, हमारा सर्वे जो हमने किया था उसके हिसाब से पूरे एरिया में केवल आपका ही ज़मीन का टुकड़ा है जिसके नीचे हमें वो तेल मिला था, और ये देखिए सच में वहाँ पर तेल निकल आया है। वह आदमी भगवान का बहुत शुक्रगुजार होता है और उनको बहुत धन्यवाद देता है कि भगवान, आपने कम से कम मेरे एक डिसीजन को तो ठीक कर दिया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उस आदमी के डिसीजन ठीक नहीं थे, बस उसने कभी अपने लिए अपनी कलाओं को जानने के लिए उस ड्रिल मशीन का यूज़ किया ही नहीं जिससे वह ये जान पाता कि उसके अंदर कौन कौन सी कलाएं छुपी हुई हैं। हम भी उसी तरह से ही जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हम जानते ही नहीं हैं कि हमारे अंदर कौन सी कला छुपी हुई है और वह हमें कितने आगे तक ले जा सकती है, कितनी यश और कीर्ति दिलवा सकती है। दोस्तों, अगर आपने इस साल के लिए कोई टारगेट सेट नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आज आप कुछ दिन लेकर के आराम से सोचिए और अपने लिए कोई एक टारगेट सेट कीजिए। कोई एक ऐसी कला को जानिए जो आपके अंदर छुपी हुई है, जो आपको बहुत बड़ा आदमी बना सकती है और जो आगे जाकर के आपको बहुत ही यश और कीर्ति दिलवा सकती है। सन 2023 एक नया साल चढ़ गया है और ये आप लोगों के लिए बेहद ही अच्छा रहे, बहुत सुख समृद्धि लाए, बहुत सारी यश और कीर्ति लाए। इसी आशा के साथ आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर।